ये तो जुआ है। तो के आर लक्ष्मणन नाम के एक आदमी ने ईयर 1996 में केस कर दिया कि हॉर्स रेसिंग गेम ऑफ स्किल है, ये कोई गेम ऑफ चांस नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है। तो देखिए, क्योंकि लॉ में कोई चीज डिफाइन नहीं की गई थी, तो एक ट्रेंड सा चल गया था कि किसी भी तरीके से गेम को वैलिड होना है अगर, तो उसको बस गेम ऑफ स्किल प्रूव करना है, और जैसे ही वो गेम ऑफ स्किल प्रूव हो जाएगा तो वो खेला जा सकता है, फिर वो जुए की जो कैटेगरी है उससे बाहर निकल जाता है। तो हॉर्स रेसिंग का जो केस था, इसमें भी डिस्कशन हुआ कोर्ट में, इसमें ये कहा गया कि जो आदमी रेस कोर्स में आके पैसे लगाता है वो सिर्फ चांस पे नहीं लगाता है, वो हॉर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देख रहा है, ट्रैक की कंडीशन क्या है वो देख रहा है, जॉकी की स्किल्स, बहुत सारी चीजें देख के फिर वो पैसा लगाता है, तो ये गेम ऑफ स्किल है। तो हॉर्स रेसिंग को भी गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है और के आर लक्ष्मणन ये केस जीत जाते हैं, और तब से यानी कि ईयर 1996 से हॉर्स रेसिंग पे पैसे लगाना लीगल हो गया था इंडिया के अंदर।